अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, तो हम 2.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन पर पार्ट नंबर 1 इज इसको हम सिंपलीफाई करना है। याद रखिएगा उसने यदि सिंपलीफाई करें हम इसे ए प्लस बी आई ओल्टा की फॉर्म में, ठीक है। आप हमेशा की बात याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर के अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रहना जो है वो मैथमेटिशियंस इसको ठीक नहीं समझते, लाइक नहीं करते। सो इसको रिमूव करने का तरीका क्या है? रैशनलाइजेशन। आप कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, डेफिनेटली जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो फर्क कोई नहीं पड़ता, ये कट जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला हो जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस आई ओटा का। As we all know, iota square जो है होता है minus one. So by this minus two into one minus iota divided by one plus one यानी कि two हो जाएगा, minus two into one minus iota over two, two two से कट गया, minus one plus iota. अब अगर देखें तो a minus one और b one और ये a plus b iota की form के अंदर हमने इसे solve भी कर दिया। This is how we have to attempt approximately 6 questions in all. So, in 6 ke 6 parts, we have 4% ki karwa deta hu. And then we are left with only 2 questions, 5 and 6. So, inshallah ta'ala, mera ye aaj hai ki main aapko aaj ke din ke lecture ke mutabik ye exercise complete hi karwa dunga. Now, if we are going for question number 2, तो थ्री पार्ट आप खुद कर सकते हैं, थ्री पार्ट आप करेंगे, ओके। बल्कि मैं थ्री करवा देता हूँ, टू आप कर लें ईजिए, बिल्कुल थ्री के पैटर्न पे लिखा हुआ जी। नाइन माइनस सेवन आई ओल्टा ओवर थ्री प्लस आई ओल्टा। नाउ हाउ वी कैन मेक इट एज ए प्लस बी आई ओल्टा? नाइन माइनस सेवन आई ओल्टा ओवर थ्री प्लस आई ओल्टा विल बी इक्वल्स टू नाइन माइनस सेवन आई ओल्टा ओवर थ्री प्लस आई ओल्टा मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस एटा और थ्री माइनस एटा। ऑलराइट, अब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? थ्री का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर और नाइन माइनस सेवन एटा इंटू थ्री माइनस एटा। नीचे क्या हो जाएगा? नाइन माइनस इंटू माइनस वन। ऊपर क्या हो जाएगा? नाइन थ्री जर 27 माइनस नाइन एटा माइनस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। फर्दर मोर 27 माइनस 30 आयोटा माइनस 7 ओवर 9 प्लस 1 20 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। सेंटर से ब्रेक करते हैं, 20 बाय 10 माइनस 30 बाय 10 आयोटा, तो ये कर दिए, फाइनल आंसर आ गया 2 माइनस 3 है, 2 माइनस 3 होगा। अच्छा एक बात है, ये याद रखिए कि जो मैं इक्वल डाल रहा हूँ एज भी नहीं डाल रहा, ये इसी तरह सेंटर में चलता जाएगा नीचे और एंड पर आप ये लेफ्ट साइड दोबारा देख लेंगे। लेफ्ट साइड क्या थी बता? देखिए जरा ये लेफ्ट साइड दोबारा चलती जाएगी साथ साथ, मुझे 9 माइनस 7 है होता ओवर 3 प्लस है, ये आप सब वोट साथ चलाते जाएंगे इस टाइप पे भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें। सो फाइनली पता लग गया कि जब आपने इसको, अगर आप देखें यहाँ पर ए प्लस बी ओल्टा की फॉर्म में ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू माइनस 3। सो दिस इज यू कैन इजीली राइट आउट क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है यानी कि डिनोमिनेटर में, तो मैथमेटिशियंस इसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। तो वो कहते हैं कि अगर प्योर आपने ए प्लस बी ओल्टा की फॉर्म में तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो यू हैव टू सॉल्व इट बाय रैशनलाइजिंग। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर क्वेश्चन नंबर 4। 2 माइनस 6 ओल्टा ओवर 3 प्लस एंड द नेक्स्ट इज माइनस 4 प्लस ओल्टा ओवर 3 प्लस ओल्टा। तो सबसे पहले तो सबट्रैक्शन होगी इसमें, 2 माइनस 6 ओल्टा इक्वल टू चल इधर डाल लें, ऐसे करके सॉल्व करते जाए। अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लें, थ्री प्लस आई ओल्टा एलसीएम आ जाएगा, दोनों में सेम आ जाएगा
ऊपर ये आ जाएगी माइनस, अब इसके साइंस बदल जाएंगे। अब क्या होगा जी फर्दर, टू माइनस फोर माइनस टू, माइनस सिक्स होगा माइनस ए होगा माइनस सेवन होगा। अब नीचे रिमूव करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई इट्स कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। फायदा ये होगा जो डिवाइड किया उसने थ्री का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, और माइनस टू माइनस सेवन आयोटा विल बी मल्टीप्लाइड विद थ्री माइनस ए। तो द नेक्स्ट स्टेप वी शुड मल्टीप्लाई कैसे करें, दो जगह माइनस सिक्स प्लस टू आयोटा माइनस ट्वेंटी वन आयोटा प्लस सेवन आयोटा स्क्वायर। अब देख ले ए की वैल्यू क्या आई है, माइनस थर्टीन बाई टेन, बी की वैल्यू क्या है माइनस नाइनटीन बाई टेन। तो ये फॉर्मेशन आ चुकी है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्मेशन बन चुकी है, इसको चेक भी कर लेते हैं। रीजन इज दिस, माय ग्रेड इज रॉन्ग, थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे रही है, लेकिन नहीं ये बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। वी हैव डन इट। So, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर फाइव और सिक्स की। तो आज मुझे ये नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन भी है, सो आई शुड ओनली डू क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव। बिफोर ये मैं नहीं चाह रहा आपको ज्यादा स्ट्रेस देना, लास्ट लेक्चर है आपका, तो आज छोटा सी लेक्चर होगा क्योंकि इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन भी होगा एंड द लेक्चर होगी। फिफ्थ पार्ट का देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा, तो स्क्वायर पहले ओपन कर लें, अभी क्या होगा जी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखा ना टू ए बी क्या बनेगा सवाल, टू ए और बी टू आई ओटे बन। नेक्स्ट वन प्लस टू आयोटा माइनस वन, एवरी वन नोज आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, वन माइनस टू आयोटा प्लस इंटू माइनस वन एज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, ये सबको पता है, वी ऑल नो दैट। अब वन प्लस टू आयोटा माइनस वन, नीचे आ जाएगा वन माइनस टू आयोटा माइनस वन, माइनस वन प्लस वन तो पहले कटेगा माइनस वन, आगे जी टू आयोटा और माइनस टू आयोटा ये दोनों भी कट के आंसर आ गया माइनस। अगर फॉर्मेशन देखा जाए तो ए की वैल्यू माइनस वन और बी की वैल्यू जीरो, कैसे माइनस वन प्लस जीरो आयोटा, मैं लिख सकता हूँ माइनस वन प्लस जीरो आयोटा इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ठीक है जी, इसका जो कॉम्प्लेक्स कंस्टेंट है वो इस दफा जीरो। आगे पार्ट नंबर सिक्स, वन आवर टू प्लस थ्री आयोटा इनटू वन माइनस, तो पहले तो नीचे क्या होगा मल्टीप्लाई जो टू माइनस टू ए उल्टा प्लस थ्री ए उल्टा माइनस थ्री ए उल्टा स्क्वायर, फर्दर मोर टू प्लस आयोटा हो जाएगा माइनस थ्री इंटू माइनस वन एज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन, ऐसे ही ऑलराइट। देखिए मैंने छः छः पार्ट में से सिर्फ सेकंड को छोड़कर सारे करवा सेकंड ही करा देते। अब आ जाएगा ये देखिए माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस थ्री हो जाएगा फाइव आ जाएगा फाइव प्लस एट, नाउ फाइव माइनस ही होता और फाइव माइनस ही होता से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें कॉन्जुगेट से, तो ये हो जाएगा फाइव स्क्वायर माइनस ही होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का फायदा ये होता है कि जो डिवाइड हो रहा होता है वो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की मदद से डिनोमिनेटर के अंदर से कम कॉम्प्लेक्स वैल्यू को रिमूव कर दें।
ही इसका डोंट और कुछ करे ना करे ये कर देते हैं। देखा जाए तो ए की वैल्यू 5/26 है और बी की वैल्यू -1/26। All right, now watch this. Watch this. बिल्कुल ठीक आंसर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। Now I am going for part of the answer. तो अगर ये ना कहीं सर आपने सारे क्वेश्चन नहीं करवाए, मैंने कह दी मैं सारी करा। तो बुक जो है एंड में ये चीज नहीं लिखती, मैं आपको लिख देता हूँ इसलिए ताकि आपके दिल में जरा फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की बैठ जाए। ए प्लस बी है उनका जो पूरी फॉर्मेशन है ना वो आपके जहन में सेव हो जाए। सेकंड पार्ट भी कर दें क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे महरूम ना रहें इस चीज़ से, उन्हें हर चीज़ मिले, मेरे स्टूडेंट्स शाद रहें आबाद रहें। अब वही बात है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड है क्योंकि पहले कोई ऑपरेशन हो नहीं पा रहा, डायरेक्ट आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो नीचे आप बड़े मजे की चीज़ देखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस है उल्टा का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उल्टा का ऊपर का जगह 2+3 है उल्टा इंटरैक्ट करेगा 4+ है उल्टा। ऑलराइट, नाउ व्हाट वी शुड डू, अब देखो ये जगह की 8+2 है उल्टा +12 है उल्टा और 7 आ जाएगा +3 है उल्टा स्क्वायर। नीचे हो जाएगा 16 -(-1) माइनस इंटू माइनस वन होता है प्लस हो जाता है 8+14 है उल्टा -3 हो जाएगा। क्यों आपको पता है उल्टा स्क्वायर क्या होता है माइनस, यू ऑल नो दैट। बेशक इन दोनों स्टेप के आगे साथ लिख भी दें एज ए उल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 इंडिकेशन भी दे दें, अच्छी बात नहीं भी देंगे तो बात बन जाएगी। आगे 8 -3 = 5, 5+14 है उल्टा ओवर 17। द सॉल्यूशन इज 5 - 17 सेंटर से ब्रेक करें +14 - 17 दोबारा एलसीएम में दोबारा भी बन जाता है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि आपने ए प्लस बी उल्टा के फॉर्म में इसे लिख दिया। आप लिखेंगे ये ए की वैल्यू क्या है 5/17 और बी की वैल्यू क्या है 14/17। ओके सो यू गॉट इट, क्वेश्चन नंबर 4 हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 5, सो डोंट बी वरीड, वी शैल डू इट इन शॉर्ट वल्लाह। अच्छा क्या तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता जी कैलकुलेट करें कुछ चीजें। पहली चीज क्या क्या कैलकुलेट करना, सपोज ने चार पार्ट दिए, कहते हैं जी जो भी क्वेश्चन है उसमें आप जेड डैश को कर दें, बी पार्ट आप जेड प्लस जेड डैश को, सी पार्ट जेड माइनस जेड डैश को, डी पार्ट जेड जेड डैश को मल्टीप्लाई करें, डैश क्या है इस कॉन्जुगेट। नंबर वन पार्ट बड़ा सा वो क्या कह रहे हैं जी जेड इज माइनस आयोटा, याद रखें जेड डैश का होता है माइनस आयोटा के ऊपर डैश है। कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट इसका जीरो है, रियल पार्ट के साइन चेंज होते हैं इमेजिनरी के चेंज होते हैं, इसलिए आयोटा बन जाए। पहला पार्ट आपने हल कर दिया ए, ये इसका ए पार्ट है। अब बी पार्ट क्या करें जी जेड प्लस जेड आयोटा यानी माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट गया आंसर आ गया जीरो। फिर अली थर्ड पार्ट जेड माइनस जेड आयोटा निकालना निकाल देते हैं, क्या होगा जी जेड माइनस जेड आयोटा जेड माइनस जेड आयोटा वो होगा जी माइनस आयोटा माइनस इंटू माइनस आयोटा, तो ये तो हो जाएगा -2 आयोटा। डी पार्ट जेड और जेड आयोटा की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, जेड और जेड आयोटा आयोटा भरी जाओ जेड डैश जेड कॉन्जुगेट। I was wrong from here, मैं बोल गलत कहा था, this is z, this is not z iota, this is z conjugate or z dash, z plus z dash is minus iota plus iota 0, z minus z dash is minus iota, iota, so value becomes minus 2 iota and then z, z dash multiplication will be equals to minus iota multiplied by iota will become minus iota square or minus into minus 1 answer algebra plus 1. सो पार्ट वन के मैंने आपको सारे पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह करवा दिए। नाउ आई एम गोइंग फॉर पार्ट नंबर 2, सारे पार्ट का
और हम चलते हैं पार्ट नंबर टू की तरफ, परेशानी ये हो जाए व्हाट इज जेड टू प्लस थ्री ए पार्ट जेड डैश निकालते हैं यानी कि जेड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होगा? सिंपल सी बात है, टू माइनस थ्री ए होता है। सिर्फ कौन सा पार्ट चेंज होता है? कॉम्प्लेक्स पार्ट बी। बी लिखा उसने z प्लस जेड डैश निकाले, निकाल देते हैं z प्लस जेड डैश क्या होगा? देखिए टू प्लस थ्री ए होता प्लस टू माइनस थ्री ए होता, प्लस साइंस को चेंज नहीं करता, टू प्लस थ्री ए होता प्लस टू माइनस थ्री ए होता, माइनस थ्री ए होता प्लस थ्री ए होता, कट गया आंसर आ गया फोर। z प्लस जेड डैश का आंसर क्या आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह फोर। नाउ सी z माइनस जेड डैश, z माइनस जेड डैश इज टू प्लस थ्री ए होता माइनस टू माइनस थ्री ए होता। नाउ टू प्लस थ्री ए होता माइनस टू प्लस थ्री ए होता, इस दफा ये दोनों कट गए रियल पार्ट, सिक्स ए होता आंसर आ गया। डी पार्ट z z डैश ऑल राइट टू z z डैश टू प्लस थ्री ए होता टू माइनस थ्री ए होता, फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी टू ए माइनस बी, क्या होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑल राइट फोर माइनस नाइन एटा स्क्वायर, एटा स्क्वायर क्या होता जी माइनस वन, सो ये हो गया फोर प्लस नाइन, फोर प्लस नाइन क्या होता है थर्टीन, फोर प्लस नाइन क्या होता जी थर्टीन, यानी कि जेड जेड डैश आंसर क्या होगा थर्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री एंड देन वी शैल डू क्वेश्चन नंबर फोर एंड वी शैल डू क्वेश्चन नंबर फाइव। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर थ्री? फोर फाइव तो है ही नहीं, दैट इज वन प्लस ए रूट ओवर वन माइनस रूट। पहली तो बात ये है कि जेड यहाँ पर भी क्लैरिफाई नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है। ए प्लस बी ए रूट की फॉर्म में जेड को पहले बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। एडवांटेज ये होगा कि नीचे हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी स्क्वायर की वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जबकि ऊपर ये दोनों सेम हो गए ए प्लस ए रूट का होल स्क्वायर बना चुके, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलते हैं वन प्लस टू ए रूट प्लस ए रूट स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा कि वन माइनस वन माइनस इंटू माइनस वन टूगर ए रूट स्क्वायर माइनस वन। नाउ ऊपर क्या होगा? ऊपर हो जाएगा वन प्लस टू ए रूट प्लस ए रूट स्क्वायर ओवर वन प्लस वन। अच्छा ऊपर भी बड़े मजे की बात है, ऊपर भी ए रूट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन, एज ए रूट स्क्वायर किसके इक्वल है माइनस वन। अब ये दोनों तो कट गए आपस में, z की वैल्यू आ गई टू आई ओटा ओवर टू, टू टू से कट गया z की वैल्यू सिर्फ आ गई आई ओटा। वाओ व्हाट इज पार्ट नंबर ए? z का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं आई ओटा का कॉन्जुगेट, आई ओटा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका साइन बदल लिया, तो मैंने आपको क्या कहा था कॉम्प्लेक्स पार्ट्स अपना साइन बदलते हैं, z प्लस जेड आई ओटा, आई ओटा नहीं z प्लस जेड डैश, z plus z dash will be equals to iota plus minus iota, iota into minus iota क्या हो जाएगा कट जाएंगे दोनों जीरो। कॉम्प्लेक्स नंबर gives us a return answer equals to zero, zero zero। अच्छा अब आप जरा आगे देखें अगला पार्ट है z minus z iota, iota नहीं dash, z minus z dash c part, z minus z dash क्या होगा? आयोटा हमारे पास जेड है माइनस इंटू माइनस ए होता, आयोटा प्लस आयोटा बिकम्स टू आयोटा। ऑलराइट नाउ व्हाट इज पार्ट नंबर डी? पार्ट नंबर डी है जेड जेड डैश मल्टीप्लिकेशन, जेड जेड डैश की मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्या होगा? आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा बिकम्स माइनस आयोटा स्क्वायर एंड बिकम्स माइनस इंटू माइनस वन वन, आंसर आ गया, आंसर आ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह वन। वेरी नाइस वी हैव डन इट and I'm removing it as well. और अब हमारा रह गया लास्ट पार्ट, तो लास्ट पार्ट भी प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है, उसी तरीके से एक डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जिसको कि मैथमेटिशियंस एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं सबसे पहले ए प्लस बी ए और
टाइम फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो और उसके बाद बाकी सारे ऑपरेशन आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो व्हाट इज पार्ट नंबर 4? हियर इट इज रिटन दैट z equals to 4 minus 3 iota over power क्या आ रहा है जी 2 plus 4 iota। इसको जरा गौर से देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्वमेंट इसमें देखिए सारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे ये निचोड़ा है, पूरी यूटिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। तो दिस क्वेश्चन इज इनफ फॉर अस कि हम इसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है, पूरे डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जिसको रिमूव करना हमारा सबसे पहला मकसद है। तो उस मकसद में कामयाब होने का तरीकेकार ये है कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें कॉन्जुगेट के साथ। अब नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा एंड 2 माइनस 4 आयोटा, और ऊपर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा। पहले जेड तो निकाल लें ना, अब ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8 माइनस 16 आयोटा माइनस 6 आयोटा एंड देन आई हैव प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। ऑलराइट, ठीक है ना, 8 माइनस 16 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर एंड देन 4 माइनस 16 इंटू माइनस 1 एंड देन वी हैव 4 प्लस 16 यानी कि 20। अभी हम इसको सॉल्व ऊपर करते हैं, 8 माइनस 22 आयोटा प्लस 12 इंटू माइनस 1, ठीक है जी, ये हो गया जी माइनस 12 माइनस 4 माइनस 22 आयोटा माइनस 4 माइनस 22 आयोटा। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ऑलराइट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। माइनस 4 बाय 20 माइनस 22 बाय 25, सो आफ्टर रिमूविंग इट बिकम माइनस 1 बाय 5 प्लस 11 सॉरी माइनस 11 बाय 10। ठीक है, ये जेड आ गया, जेड डैश क्या होगा, ए पार्ट कॉन्जुगेट ये निकालना है। क्या निकाला कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट में मैंने आपको बताया रियल पार्ट अपनी शेप नहीं बदलता, साइन नहीं बदलता, लेकिन इमेजिनरी पार्ट अपना साइन क्या कर देता है, इन्वर्ट चेंज कर देता अपना साइन। ऑलराइट, अब देख भी लेते हैं ताकि एरर ना, मैं कहता हूँ कि एरर हो गया तो फिर फायदा नहीं। तो माइनस 1 बाय 5 प्लस 11 बाय 10 बिल्कुल सही आया हमारा। Our first part is absolutely right. ठीक है, तो question number 4 यहाँ तक देखो, question number 4 है। A की value minus 1 बाय 5, B की value minus 11 बाय 10। Conjugate ले लिया, ये part कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद conjugate के लिए देखें, real part change नहीं करता sign conjugate में और imaginary part कर लेता। B क्या निकालो जी, z plus z dash, z plus z dash assume कर ले। What is z? This is माइनस 1 बाय 5 प्लस माइनस 11 बाय 10 आयोटा एंड प्लस वो क्या माइनस 1 बाय 5 प्लस 11 बाय 10 आयोटा, ऐसे ही तो प्लस कर ले माइनस 1 बाय 5 माइनस 11 बाय 10 आयोटा प्लस इनटू माइनस का हो जाएगा माइनस 1 बाय 5 प्लस 11 बाय 10 आयोटा। मजे की बात ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बढ़ गए, माइनस 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 5 कह गया, एलसीएम ले ले तो आंसर आ जाएगा माइनस 2 बाय 5 z plus z iota z plus z iota z plus z iota बोलने जा रहा हूँ यहाँ बार बार, z plus z dash z plus z dash z plus z dash z plus z dash। तो थोड़ी सी हो जाती है mistake of tongue, इसलिए tension। Now I'm left with two parts. Here is part number c. z minus z dash, z minus z dash is minus 1 by 5 minus 11 by 10 minus minus 1 by 5 plus plus some side z minus z dash will be this minus 1 by 5 minus 11 by 10
minus minus 1 by 5 plus 11 by 10. Now, ये negative क्या फर्क डालेगा देखिए, negative भी फर्क डालेगा कि इसको positive कर देगा और इसको negative. अब क्या होगा, अब इस दफा ये दो वैल्यूज कट गई और z माइनस z डैश, z माइनस z डैश का क्या हाल होगा कि आप एलसीएम ले जाएंगे तो ऊपर उठेगा माइनस 11 आयोटा माइनस 11 आयोटा बिकम्स माइनस 22 आयोटा बाय 10, ये आपस में फिर कट जाएंगे, ये 11 टाइम्स ये 5 टाइम्स, सो सिंपलीफाई होकर बन जाएगा माइनस 11 बाय 5 आयोटा, माइनस 11 बाय 5 आयोटा. Now I am going for part number D. दोबारा से समझ रियल पार्ट कट गई, इमेजिनरी पार्ट कैल्शियम ले लिया, माइनस 11 योटा माइनस 11 योटा माइनस 22 योटा 22 और 10 दोनों 5 2 के टेबल में कॉमन है तो कट गई. अच्छा, दे हैव अ कॉमन डिवाइजर एस टू D पार्ट है जी z इनटू z डैश, z इनटू z डैश का अब माइनस 1 बाय 5 प्लस सॉरी माइनस 11 बाय 10 एंड माइनस 1 बाय 5 प्लस 11 बाय 10. अब ये बन रहा है a माइनस b a प्लस b, इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, व्हाट इट बिकम्स 1 बाय 25, ये क्या बन जाएगा माइनस 121 आयोटा स्क्वायर बाय 100. अच्छा, अगली बात ये है कि अगर मैं देखूं तो ये बन जाएगा प्लस 121 बाय 100. कैसे, देखिए आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता, सो माइनस 1 जब अप्लाई करेंगे तो हमें साइन को क्या कर देगा प्लस. कुछ चीजें ना शार्पली भी सीखनी चाहिए, तो माइनस 121 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस. आगे जरा देखो z इनटू z डैश 1 बाय 25 प्लस क्या आ रहा है 121 बाय 100. एग्जांपल के तौर पर अगर ये बात आपको ना समझ आ रही हो, इनटू माइनस 1 आप देखिए ये जो मल्टीप्लाई करेगा माइनस 121 माइनस माइनस प्लस. अब एलसीएम आएगा 100, 4 प्लस 120 क्योंकि 25 फोर टाइम्स का आता है 100, वही फोर भी आपके बाद समझ लिया. अब 125 बाय 100, मजीद बात यह 25 के टेबल में ये फोर टाइम्स और ये फाइव टाइम्स वापस कट जाएंगे, 5 बाय 4 आंसर. फाइव बाय फोर भी आ जाएगा आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 फिर आपके नेक्स्ट. अल्लाह हाफिज़.